हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक एज यू नो वी आर डूइंग बिक्स बीड्स एंड बोन्स क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का चैप्टर है आपका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ आई होप आपने सुना होगा आपको पसंद आया होगा एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन प्रिप्रेशन इसमें मैं एम सी क्यू और शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स बता रहा हूँ आपको जिससे कि आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप दोनों मेरे अटेम्प्ट कर पाए तो हम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट पार्ट फोर विच ऑफ़ दीज वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन यानी कि हड़प्पन जो है वो कॉपर कहाँ से लेके आते थे गुजरात से कर्नाटका से आंध्र प्रदेश से या राजस्थान से सो so, स्टूडेंट्स हमने आपको याद होगा इससे पहले वाले एम में क्वेश्चन आया था कि गोल्ड कहाँ से आता है तो गोल्ड आता है साउथ इंडिया से और हमने पढ़ा था बुक में राजस्थान से कॉपर आता था So, हम देखते हैं अगर बुक में इफ यू सी फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात मेटल फ्रॉम राजस्थान सो ओके, वी सी हेयर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशन टू एरिया सच एस दी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर तो कॉपर कहां से आता था खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड तो ये सब पता लगता है कि कहाँ से क्या क्या प्रोक्योर किया गया है और ये कैसे इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला सोचा कि भैया राजस्थान से कॉपर लाते होंगे क्योंकि वहाँ पे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं एज स्टेटाइट माइक्रोबीड्स और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हड़प्पन लोग आते होंगे ट्रेडिंग करते होंगे या कॉपर लेते होंगे दैट्स वाई दे टू नो दैट राजस्थान से दे टू कॉपर विच वेपन डिड द पीपल ऑफ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट यूज़ यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी वेपन है जो हड़पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग यूज़ नहीं करते थे हैमर एरोज़ स्पोर्ड और या एक्स तो स्टूडेंट्स जो हमारे को बुक्स में और सब जगह हमने पढ़ने को मिला है कि हड़पन सिविलाइजेशन में कोई लड़ाई वाला माहौल नहीं था तो इन सब में एरोज हैमर और एक्स जो है वो तो हम यूज़ करते हैं अलग चीजों के लड़ाई के अलावा भी यूज की जाती हैं जैसे कि हैमर से आप कुछ ठोकते हैं एरो से आप हंटिंग करते हैं एक्स से भी आप लकड़ी काटते हैं सोट जो होती है टिपिकली इट इज यूज इन वॉरफेयर विच वॉज नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सो द वेपन विच वॉज नॉट फाउंड और विच वॉज नॉट यूज बाई इंडस वैली और हड़प्पन वॉज सोट या तलवार वॉट वॉज द स्टेपल फूड ऑफ दड़प्पन पीपल बार्ले राइस वीट और ऑल ऑफ दिब तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें सब चीज़ें मिली हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज़ करती थी बार्ले राइस और वीट लेकिन राइस थोड़ा कम यूज़ करते थे बट दे यूज टू हैव दैट एज फूड एज़ वेल तो बार्ले वीट एंड राइस ऑल ऑफ देम सो ऑल ऑफ़ दे बव

सोच सकते हैं कि होती होगी मेसोपटामानियन इजिप्शियन आर्यन या ग्रीक सिविलाइजेशन सो स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर डिटेल में लिखा है बार बार जगह जगह मेंशन किया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सो so, आंसर इसका है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सो हम बुक भी रेफर करेंगे अ स्टैचू अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड कंटीन टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट फॉर फैमिलियर विद दी मैसो ियन हिस्ट्री एंड इट्स इन दीजन यानी कि इंडस्ट रीजन में पैरल में मैसोपटानियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी सो so, ये सब आ, आ, पढ़ने के बाद इसमें यह भी मैंशन किया है कि जो रिचुअल प्रैक्टिस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो अभी तक हम नहीं समझ पाए नॉट वेल अंडरस्टूड ये एंड देर आर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज हु परफॉर्म देम ऑल्सो हैथ पॉलिटिकल पावर यानी कि जो रिलीजियस जैसे कि पंडित या आपके लिए धर्मगुरु होते थे क्या वो पॉलिटिकली पावरफुल थे कि नहीं ये अभी तक हम नहीं पता कर पाए हैं कुछ लोग कहते हैं कि सम आर्कियोलॉजी सेव दैट हड़प्पन सिट सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस यानी कि सब पावरफुल हैं सब अपने राजा हैं कुछ सोचते हैं कि देर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल यानी कि मल्टीपल रूलर थे और मोहन जदाड़ो had a separate ruler. And so forth, कि के अलग अलग रूलर होते थे तो ये सब आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कि वर्ड देर एनी रूलर यू कैन से नो देर इज नो सम फील नो रूलर सम फील दैट देवर मल्टीपल रूलर विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम सिटाडल एंड लोअर टाउन और ऑल ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स हमने देखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है प्लीज़ एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आपको ये तीन पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थी हमने देखा है ग्रिड लाइक वहाँ पर मैपिंग तो, uh, थी सो so, इसमें अर्बन प्लानिंग भी आ जाती है सिटाडेल भी है लोअर टाउन भी है हमने देखा ग्रेट बाथ भी उसके अंदर है सो इट वॉज वेल प्लान सिविलाइजेशन आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी वहाँ पर जो भी बिना प्लानिंग के हुआ हो आप हमने पढ़ा था कि जो घर हैं इसमें कोशिश की गई थी जो घर है घर की एक साइड की दीवार एटलीस्ट वॉल जो है वो दीवार ड्रेनेज सिस्टम की तरफ से निकलती हो जिससे कि ड्रेनेज में पानी जा सके तो हमने देखा वहाँ पे 700 सौ वेल्स भी हैं यानी कि पीपल

और क्वेश्चन है विच ऑफ दी साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा यानी कि इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हरियाणा में अब होती है, तब तो हरियाणा नहीं था अब हरियाणा में है काली बानावली शोतुगई और लोथल तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको सबको पता होना चाहिए मैं बता रहता हूँ इसका आंसर है बानावली तो स्टूडेंट्स हम बुक को भी रेफर करते हैं इसमें आप देखेंगे Moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in Cholistan and at Banawali. Banawali में उन्होंने लिखा हुआ bracket में Haryana. तो यानी कि Banawali Haryana में है. अब है. पहले तो नहीं था. Archaeologists have also found evidence of a plow field in Kali Bangan. तो राजस्थान में है. यानी कि Kali Bangan का question आता है कि Kali Bangan कौन सी state में है आज की date में? तो आपको answer लिखना था Rajasthan. और Banawali in Haryana. सो स्टूडेंट्स दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर विच आई है क्वेश्चन आप ये बुक को जरूर पढ़िएगा इसको स्टोरी की तरह आप पढ़िएगा ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा बड़ा ईजी चैप्टर है आराम से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें ये पिक्चर्स आपने दे रखी है कॉपर टूल्स की ये आप कुल्हाड़ी की शेप में आप समझ सकते हैं बनाया हुआ है ये आप देखेंगे रिजर्वोयर पानी इकट्ठी करने के लिए स्टेप्स हैं और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं जो आप सोचेंगे सोचिए इतने साल पुराने मतलब सिविलाइजेशन में सब कुछ होता था ये लोअर टाउन है ये प्लानिंग है अर्बन प्लानिंग है आप देखेंगे अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ ये आप देखेंगे आप ये देखिए ये सारे आपके रोड जो हैं ग्रिड पैटर्न में हैं सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बड़ा ईजी चैप्टर है अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और स्टूडेंट्स इफ़ यू आर इन्जॉइंग दिस वीडियोज़ कीप लाइकिंग दैम कीप शेयरिंग विद दैम योर फ्रेंड्स आई विल ट्राई मैं और इम्प्रूव करूँ और उसके बाद मैं हर एक चैप्टर को अभी तो मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ एंड टाइम टू कम आई विल कवर ईच चैप्टर हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन चैप्टर बाय चैप्टर आल्सो कीप मी मोटिवेटेड कीप शेयरिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम